हम इसका स्वागत ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ सेक्शन लाए गए हैं वो जितनी तारीफ की जाए कम है, इससे पारदर्शिता आएगी। खुशी का बात है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने के बाद काफ़ी मुस्लिम समुदाय से मेरा मिलना हुआ और आज हमारे देश का हिंदुस्तान का ऑल इंडिया सूफी सजादा नसीन के जो हेड होते हैं काउंसिल के पूरे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती चेयरमैन और सक्सेसर ऑफ द प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह और हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ सजादा नसीन जितने भी हैं प्रमुख लोग आज मुझे मिले, मेरे पास लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा और सबसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया और साथ साथ मैं सुझाव भी दिया कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है उनका सोच विचार और उनके कुछ मांगे हैं उसको भी सरकार जरूर ध्यान दे और अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उसमें ध्यान रखा जाए, ऐसा उन्होंने आवेदन पत्र मुझे दिया है और चर्चा भी हुई है। तो हमारा जैसे हमने बिल में एक्सप्लेन किया है कि इसको हम ब्रॉड बेस कर रहे हैं, मुसलमान के अंदर में कई लोग हैं, कई प्रतिनिधि हैं, कई ग्रुप हैं, सबको जगह मिलने के लिए और ख़ास करके महिलाओं के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन हो गया है, उसका घोषणा लोकसभा और राज्यसभा से भी हो गए हैं। अब हमसे मिलने के बाद जितने उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं मैंने उनको निवेदन किया है ये सारा पॉइंट्स ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जरूर रखे। और हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है आज मुझे जो मिले हैं वो लगभग 800 दरगाह जितने भी हिंदुस्तान में हैं उनका बिहाफ से मुझे एक पत्र भी दिया है और डिस्कशन के दौरान मुद्दे भी सामने में रखा है। मैं उनको मेरे तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दोनों कि उनका सोच विचार के लिए भी और समर्थन के लिए भी बिल को समर्थन किया है इसके लिए भी। और आखिर तो ये सारा बिल मुसलमानों के लिए ही है, मुसलमानों का अधिकार के लिए ही वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है और इसका स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। हम इसका स्वागत ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ सेक्शन लाए गए हैं वो जितनी तारीफ की जाए कम है, इससे पारदर्शिता आएगी, जो मिसयूज ऑफ द फंड हो रहा था उसको उस पर रोक लगेगी और जो एक हठधर्मिता वक्फ बोर्ड ने लगा रखी थी उस पर रोक लगेगी, जो कंपोजिशन ऑफ द वक्फ कमेटियां हैं जो स्टेट की हो जो सेंटर की हो उसके प्रोविजन को हम अप्रिशिएट करते हैं, वो फलाल औलाद में बेटियों को राइट देगा उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं और ओवर इन ऑल जो हम चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही तरीके से डेवलपमेंट हो, क्योंकि वक्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में इसलिए करता है इंसान कि उसकी आमदनी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ गरीब गुरबाओं के लिए हो, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हो, जो वक्फ बोर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस एक्ट के बाद में होगा और अब जिनकी जो भी ऑब्जेक्शन थे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जा चुका बिल, मैं समझता हूँ सबके ऑब्जेक्शन को दूर करने के बाद एक बहुत अच्छा बिल निकल के बाहर आएगा और बहुत अच्छा एक्ट बनेगा। और हमारे को जो कुछ कंसर्न था ऑल इंडिया सूफी तंजीम काउंसिल की जो डिमांड थी कि दरगाह बोर्ड बनाया जाए, इसमें एक प्रोविजन रखा गया है कि अलग अलग बोर्ड की बात है, तो हमने कहा दरगाह बोर्ड बनाया तो मंत्री जी ने हमें अश्योर किया, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है कि हमारे दरगाह बोर्ड को भी उसमें रखा जाएगा और बनाया जाएगा, उसका प्रोविजन लाया जाएगा, ये हमारे को आश्वासन मिला है आज।